हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। सो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ये। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो आई होप आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज हमारी ये वाली है। सो इस डायग्राम को सबसे पहले हम समझते हैं कि डायग्राम है क्या। ये हमारे पास देखिए, ये डायग्राम ऑलमोस्ट सारी की सारी सर्कल के ऊपर डिपेंड है, सारे सर्कल से ही बनी हुई है। तो जैसे हमारे पास एक सर्कल ये दे रखा है, एक सर्कल ये दे रखा है, और ये कुछ मेरे पास स्लॉट बना रखा है। ठीक है, तो इस स्लॉट को मेन हमने किस तरह से बनाना है। एक एंगल हमें दे रखा है, और एक हमें रेडियस दे रखा है, और एक रेडियस ये दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कल से, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक एंगल पे हम लाइन लेंगे। लाइन के बाद हमने ये सर्कल लगाने हैं रेडियस 18 और रेडियस 10 का। ठीक है, तो हमारे ये दो तीन काम सबसे पहले रहेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा सर्कल सी एंटर 0,0 और उसका रेडियस कितना है हमारे पास, यहाँ डाया। अब यहाँ से एंड टू एंड वैल्यू दे रखी है, तो इट मीन्स ये मेरा डाया है। सो आप डाया डी एंटर करके भी फिल कर सकते हो, और सिंपल उसकी हाफ वैल्यू भी फिल कर सकते हो। जेड एंटर ए एंटर करके मैंने जैसे ही देखा, तो ये मेरे पास रेडियस आ गया। नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ से एक लाइन लेंगे आप 45 डिग्री पे। तो एंगल किस तरह से आएगा आपका, अब ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये अगेन 270 और अगेन 360 डिग्री। तो 270 प्लस 45 डिग्री जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 270 प्लस 45, इट इज 315। सो एल एंटर 0,0 @ 100, एक लेंथ ले लेते हैं लेस देन एंगल, हमारे पास आ जाएगा 315। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास एक लेंथ आ गई है। ओके, अब ये जो मेरे को सर्कल लगाना है R18 का, तो ये सर्कल में लगाऊंगा कहाँ पे, मुझे पॉइंट दे नहीं रखा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट कहीं ना कहीं दे रखा होगा। एक रेडियस मेरे को दे रखा है 40 का। सो मैं एक रेडियस भी लगा लेता हूँ, 0,0 से 40 का रेडियस। अब आप देख सकते हो सर्कल आ गया मेरे पास। सी एंटर, इस पॉइंट पे मैंने 18 का एक सर्कल लगाया। सी एंटर अगेन इसी पॉइंट पे @ 0,0 10 का एक और सर्कल लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास ये सर्कल आ रहा है। तो ये सर्कल मेरे पास कितने का आ रहा है, 116 डाया का। तो सी एंटर 0,0 डी एंटर 116, ये मेरे पास सर्कल आ गया। आप देख सकते हो इसको, ये ज्वाइन हो गया। अब मुझे इस पॉइंट से भी सर्कल चाहिए, आप देखिए यहाँ से भी सर्कल चाहिए, और ये इस पॉइंट से भी सर्कल चाहिए। इट मीन्स ये भी एक सर्कल चाहिए और ये भी एक सर्कल चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास एंड पॉइंट तो है ही है, तो मैं सर्कल ले रहा हूँ एक 0,0 से, और मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगेन 0,0 और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अब मुझे ट्रिम करने से पहले इसको मिरर करना पड़ेगा। सो मैं एम आई एंटर इसको और इसको मिरर कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये मिरर हो गया। अभी मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। सो मैंने इसको सिंपली ट्रिम कर दिया। जो जो मेरे को नहीं चाहिए उस पार्ट को मैं ट्रिम कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो इस तरह से मेरे पास ये स्लॉट तैयार हो गया। बट आपको एक सर्कल यहाँ पे भी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, 0,0 से इस पॉइंट तक भी एक सर्कल लगा लेता हूँ, ताकि मैं इसको ट्रिम करूँ तो ये मेरा कंप्लीट बन जाए। ओके, सो आप देख सकते हो ये मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ से। ओके, नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है। ओके, सो ये सर्कल कितने कितने के हैं अब देखते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है, एक्स में भी 20 दे रखा है और वाई में भी 20 दे रखा है, और यहाँ से कितना दे रखा है मेरे को 15 का। इट मीन्स मेरे पास ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 10 ही है। ये देखिए सेंटर से आ रहा है ना मेरा 20 का सर्कल। सो एक वाई में डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 का, और एक्स में कितना डिस्टेंस दे रखा है 10 का। तो लेफ्ट साइड अगर 10 का दे रखा है तो -10 हो जाएगा। तो सी एंटर -10, 50 रेडियस कितना है 10 का। अगेन सी एंटर 10, अब आप देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है। ये एक सर्कल मेरे को लगाना है, तो पहले हमने 50 पे लगाया था, 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70। सो c एंटर 10,70, इस पे कितना आएगा 10 का ही सर्कल आएगा। तो आप देख सकते हो ये दो सर्कल मेरे पास यहाँ पे लग गए हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है 2 होल्स ऑफ डायर 10, क्योंकि अंदर वाले सर्कल भी मुझे लगाने हैं, मैंने बाहर वाले सर्कल लगाए हैं अभी। तो अंदर वाले सर्कल कितने के हैं डायर 10 के, तो मैंने अभी रेडियस कितना लिया था 10 का, तो रेडियस 10 का है तो यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी रेडियस कितना आ जाएगा 5। अब एक यहाँ पे भी कर्व दे रखा है, तो ये कर्व किस तरह से लगेगा सी एंटर टी टी आर, रेडियस कितना दे रखा है 10 का, सी एंटर टी टी आर। तो ये एक टेंजेंट आ जाएगा, ये एक टेंजेंट आ जाएगा और रेडियस कितना आ जाएगा 10 का, टी आर डबल एंटर करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब मुझे यहाँ से एक लाइन चाहिए स्ट्रेट, और ये भी एक लाइन स्ट्रेट दे रखी है, तो इसको और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी एल एंटर, इस क्वाड्रेंट से एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ मैं। सो ये मेरी एक लाइन होगी, नेक्स्ट सेम ये मेरी एक लाइन होगी। मुझे लगता है कि ये मेरी स्ट्रेट नहीं है, सो मैं इसको स्ट्रेट बनाने के लिए क्या करूँगा, पैरामीट्रिक में चले जाऊँगा और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में अप्लाई कर सकता हूँ। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है, मान लीजिए आपको किसी दो ऑब्जेक्ट को टेंजेंट करना है या इक्वल करना है या पैरेलल करना है या किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, तो ये मेरे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ओके, सो मैं अभी इस टाइम वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो ये लाइन मेरी आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया, तो थोड़ी सी मूव भी किया, इट मीन्स ये टेढ़ी थी और अभी ये स्ट्रेट लाइन है। ओके सो फ्रेंड्स, अभी देखना है यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल तो ये दे रखा है, बट दूसरे सर्कल की मुझे नीड नहीं है, सो मैं इस सर्कल को यहाँ पे क्या करूँगा रिमूव कर दूंगा। ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अभी आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में फिलेट दे रखी है, रेडियस कितना दे रखा है 6 का, सो मैं यहाँ पे फिलेट लगा लूंगा, यहाँ पे भी 6 का है, यहाँ पे भी 6 का है। सो एफ एंटर आर एंटर 6 का रेडियस और एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा फिलेट लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं फिलेट अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये वाली आर्क शायद मुझे नहीं चाहिए, सो मैं इसको भी ट्रिम कर दूंगा। अभी जैसे मैंने फिलेट लगाई तो मेरी आर्क जो है वो रिमूव हो गई है, अब ये इस तरह से एग्जैक्ट आ रहा है। सो मेरे पास ये आर्क की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं उसको सर्कल को उसी टाइम भी डिलीट कर सकता था। ओके तो इस तरह से आपकी ये ड्राइंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या ट्रिम और करना है, जैसे ये इनर जो सर्कल आ रहे हैं आपके, इनको भी ट्रिम कर देना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आप देख लीजिए ये जो मेरी सेंटर लाइन है ये डॉटेड आ रही है, तो डॉटेड लाइन किस तरह से बनाएंगे हम, मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में वापस आ जाता हूँ। ओके सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय लेयर पे जाके अदर्स पे जाके एक डॉटेड लाइन को लोड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स आपके पास डॉटेड आ रही हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेगी आप यहाँ से चूज करके उसे पिक कर सकते हो। जैसे मैं ये वाले भी पिक कर सकता हूँ, मैं इसको पिक करके देखता हूँ किस तरह से मेरी लाइन जो है वो कन्वर्ट होती है। तो इसको कन्वर्ट किस तरह से करना है, जिसको आपने कन्वर्ट करना है उसको पहले सिलेक्ट करोगे और उसके बाद जिसको आपने जो आपने लोड की हुई है लाइन उसको सिलेक्ट करोगे, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। ओके एक लाइन स्ट्रेट लेते हैं, अब डायमेंशंस ले लेते हैं। मेरी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो फटाफट डायमेंशंस ले लेते हैं। एंगल आ रहा है मेरे पास, एंगल चेक कर लेते हैं 45 डिग्री का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, मेरे पास एंगल कितना आ रहा है 45 का, गुड। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, रेडियस है, सो मैं रेडियस यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मेरे पास रेडियस कितना आ रहा है। एक रेडियस मेरे पास कितना आ रहा है 18 का, और नेक्स्ट जो मेरे पास रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 का, और जिस रेफरेंस से हमने ये सर्कल लगाया था वो रेडियस कितना आ रहा है 40 का। नेक्स्ट अब ये जो मेरे पास रेडियस आ रहा है ये कितना आ रहा है 10 का, ये भी कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये भी 10 का आ रहा है। ओके इसके बाद अभी मेरे पास और क्या है, ये वाला रेडियस, तो ये रेडियस कितना आ गया आपके पास 6 का आ गया। ओके इसके बाद अभी देखते हैं और कोई डायमेंशंस है लेने वाली, अब ये वाले डायमेंशंस हैं और ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास एक डाया भी है, अब डाया कौन सा है मेरे पास, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको और इसको, इसका डाया यहाँ पे कितना आ रहा है 116, सही आ रहा है। अब मैं डायमेंशंस ले लेता हूँ, मेरे पास इन दोनों सर्कल का डिस्टेंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है। सेम इन दोनों का y में कितना आ रहा है अगेन 20 आ रहा है। और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो इट मीन्स मैं सही कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट और कोई डायमेंशंस? हाँ ये वाली एक डायमेंशन बची है मेरे पास। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है 22 आ रहा है। ओके सो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये ड्राइंग बना सकते हो। अब देख लेते हैं इसमें और तो नहीं कुछ रह गया। हाँ ये चीज रह गई 2 होल्स ऑफ डाया 10 ये वाला। सो फ्रेंड्स इसमें मैं किस तरह से करूंगा, अब टाइप किस तरह से करूंगा। मेरे पास यहाँ पे लीडर की एक ऑप्शन आती है एनोटेशंस में। एनोटेशन में मैं लीडर पे चला जाऊंगा तो लीडर की एक मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि लीडर किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ इस सर्कल पे जा रहा हूँ, ऑर्थो आप ऑफ कर दीजिए और इस तरह से मैं यहाँ पे लीडर अप्लाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 होल्स ऑफ यहाँ से आप सिंबल भी ले सकते हो। डाया कितना था आपके पास 10 का। सो यहाँ से आप इसकी हाइट वगैरह और इसकी बोल्डनेस और इसमें जो भी एडिट करना चाहते हो आप वो आप एडिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ओके सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें ड्राइंग किस तरह से बनानी है और डायमेंशंस किस तरह से लेनी है। ओके और डायमेंशन को एडिट किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास ये वाली। ओके सो इस ड्राइंग में हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखिए एक सर्कल दे रखे है, यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल दे रखे हैं 82 का 64 का और 55 का। ठीक है 3 डाया हमने फटाफट ले लेने हैं। और उसके बाद एक रेडियस दे रखा है मेरे पास 53 का, वो भी मैं सेंटर से ही लूंगा। इसके बाद मेरे पास एक स्लॉट दे रखा है जिसकी जो हाइट है और जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है 7 है। सो ये 3-4 चीजें फटाफट मैं बना लेता हूँ। सी एंटर 0,0 हमारे पास कितने कितने का सर्कल है डी 55 का, डाया 55 का, 64 का और 82 का। सो डी एंटर 55 अगेन 0,0 डी एंटर 64 अगेन 0,0 डी एंटर 82। ये 3 सर्कल हमारे पास आ चुके हैं। एक सर्कल और था हमारे पास 0,0 53 का, ये सर्कल भी आ गया आपके पास जो मैंने ये सर्कल लिया था। अब ये वाला स्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक लाइन ले लूंगा और उसको मैं ऑफसेट कर लूंगा 3.5 तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, बाकी चीज को मैं ट्रिम कर लूंगा। सो एल एंटर 0,0 50,0 मैंने एक लाइन लगा ली। इसको मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 3.5 दोनों साइड में ताकि डिस्टेंस एक 7 का क्रिएट हो जाए। सो मैं दोनों तरफ इसकी डिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। सेंटर वाली लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। अब मुझे जो स्लॉट बनाना है वो कौन से सर्कल से बनाना है, जो सबसे छोटे सर्कल हैं 2 55 और 64 के बीच में स्लॉट बनाना है मुझे। तो 55 का ये है, 64 का ये है। सो इन दोनों के बीच में स्लॉट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, और मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ और इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक स्लॉट बनके रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरे अप्लाई करूँगा। इसको बनाना है एंटर, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स हैं। सो मल्टीपल टाइम्स है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं इसमें। सो 12 में आइटम्स ले लूंगा यहाँ पे। उससे पहले मुझे पोलर सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या देना पड़ेगा 0,0 और आइटम्स कितनी है मेरे पास 12 है तो मैंने 12 सिलेक्ट किया। क्लोज द एरे, ट्रिम द एक्स्ट्रा पार्ट जो मेरे पास ये आ रहा है। सो मैं इन सभी को ट्रिम कर लूंगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये चीज बनानी है। ये चीज बनाने के बाद मैं इस चीज पे जाऊंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे पास एक सर्कल दे रखा है तो सर्कल का डाया कितना दे रखा है, कह रहा है 6 होल्स ऑफ डाया 12। 6 होल कौन कौन से हो गए इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 होल्स हैं जिनका डाया कितना है 12 mm। और इसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 82 और वाई से डिस्टेंस कितना दे रखा है 35। अगर मैं सेंटर से इसका इट मीन सर्कल का सेंटर कितना आया, अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो एक्स में कितना जा रहा है -41 और y में कितना आ रहा है -35 तो ये सर्कल आ जाएगा। ओके और बाहर वाले का रेडियस कितना दे रखे 12। सो मैं यहाँ पे सर्कल लगाऊंगा एक -41, -35 पे और डाया 12 दे रखा है तो इट मीन्स मैं रेडियस 6 ले लूंगा। अगेन इसी पॉइंट पे @ 0,0 और रेडियस कितना आ गया 12 आ गया। ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अभी यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट जा रही है। ओके सो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, एल एंटर, इस क्वाड्रेंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये चीज मेरी यहाँ से आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे ये लाइन मुझे लगानी पड़ेगी, तो ये वाला स्लॉट बनेगा तो ये रेडियस आएगा मेरे पास और ये भी चीज आएगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अभी डिस्टेंस कितना, एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे, 30 का एंगल दे रखा है। सो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे 0 है, 0 से अगर मैं देखूँ तो एंगल कितना आएगा, 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा एंगल, 60 डिग्री। सो मैं 60 पे एक लाइन ले लूंगा, एल एंटर, 0,0 और @ 100 < एंगल 60, तो ये मेरी एक लाइन आ जाएगी। अब आप देखिए मैंने लाइन इस साइड ली है, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैं उस साइड मिरर करूंगा। सो लाइन मुझे उस साइड लेनी पड़ेगी। सो एल एंटर, 0,0 ताकि मैं एक ही बार में सबको मिरर कर दूं, @ 100 < एंगल अब 30 प्लस जा रहा है 90 से। सो मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 120। सो ये एंगल आ गया मेरे पास, लाइन तो मेरे पास आ गई। अब ये सर्कल जो आ रहे हैं, ये इनका डिस्टेंस कितना दे रखा है, इस पॉइंट से दे रखा है 24 और नेक्स्ट दे रखा है 20। सो मैं इस सर्कल को ऑफसेट करूंगा अगर 24 और उसको अगर ऑफसेट करूं 20, तो ये जो मेरे सेंटर हैं ये आ जाएंगे यहाँ पे। सो इस सर्कल को मैं ऑफसेट करूंगा अभी, ओ एंटर, 24, ये वाला जो सर्कल है मेरा ये जाएगा ऑफसेट के लिए। ओ एंटर, अगेन 20 है, तो जो मेरा लास्ट वाला सर्कल था उसको मैंने ऑफसेट कर दिया 20 mm। सो अब मेरे पास सर्कल आ गए, एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास। कितने का सर्कल है अभी आप यहाँ पे देखा था आपने, 6 होल्स ऑफ डाया 12, तो डाया 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 का। अगेन यहाँ पे सर्कल लेंगे तो डाया कितना हो जाएगा 12 और रेडियस हो जाएगा 6 का। ओके सो अभी मुझे ये सर्कल की नीड नहीं है, तो मैं इन दोनों को इरेज कर लूंगा। ओके सो अभी आप देख सकते हो ये चीज आपकी यहाँ पे हाफ कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिरर कर लूंगा, ये सर्कल, ये लाइन, ये सर्कल और ये लाइन, इन सभी को मैं एक ही साथ मिरर कर लेता हूँ। 0,0 0,10, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज मिरर हो गई है। ओके एक चीज मैंने यहाँ पे और नहीं की, वो क्या था, इन दोनों के बीच का जो स्लॉट था, जो ये कंप्लीट बनाना था मुझे, सो ये स्लॉट मैंने नहीं बनाया। सो अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा, सी एंटर, इस पॉइंट पे एक सर्कल आएगा मेरा, रेडियस कितना है 13 का। सो मैं 13 का एक रेडियस ले लूंगा यहाँ पे, ये चीज। ओके सो अभी ऑफसेट करूंगा मैं 13 mm इस लाइन को, यहाँ से यहाँ तक। ओके और अगेन ऑफसेट ले लूंगा मैं 13 mm का, इसको भी मैं ऑफसेट कर ही लेता हूँ और यहाँ से भी मैं सर्कल लगा लेता हूँ एक 13 का। सो अभी मैं एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने ऑफसेट कर लिया, ये मैंने ट्रिम कर लिया। अभी मैं इस चीज़ को भी ट्रिम कर लेता हूँ, अभी मैं इस चीज़ को भी ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से, बिकॉज मुझे इन दोनों के बीच में फिलेट चाहिए। यहाँ से ये देखिए 22 mm की फिलेट है, तो F एंटर, R एंटर, 22 mm की फिलेट लगा लीजिए दोनों के बीच में, ये और ये देखिए। ओके इसके बाद अब मेरे पास क्या बचा है, यहाँ से इन दोनों के बीच का रेडियस। अब इन दोनों के बीच में फिलेट है, रेडियस 12 है, तो यहाँ पे भी फिलेट लगा लेते हैं। F एंटर, R एंटर, 12 की जो फिलेट है, और M एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स, तो इन दोनों के बीच का ये देखिए आप फिलेट आ गया। ठीक है जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर, इसको मैंने ट्रिम किया, इसको मैंने ट्रिम किया। ओके सो यहाँ पे एक चीज़ रह गई है मेरी, इन दोनों को ज्वाइन करना है, और E एंटर, ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको भी इरेज कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हो ये चीज़ लाइन ज्वाइन होगी, ये भी ट्रिम होने हैं जो इनर सर्कल्स हैं। ओके सो ये तो 2D में बन रहा है, इनको मैं 3D में भी बना के दिखाऊंगा कि इस तरह से ये 3D में बनता है। ओके सो पहले 2D कंप्लीट होना चाहिए, 2D क्लियर होना चाहिए, 2D में किस तरह से बनाना है, उसके बाद हम 3D में भी बना के देखेंगे। तो मैंने एक सेंटर पे लाइन ली है, इन दोनों का एंगल चेक करने के लिए कि एंगल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो ये एंगल कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। नेक्स्ट ये भी एंगल मेरा कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। एक चीज़ और नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस चेक करना। सो आप देख सकते हो मैंने 24 लिया था, 24 का ही आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। तो 20 लिया था, 20 ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अभी मैं डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, हाफ लिया था 41, तो 41 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 82। और यहाँ से भी मैं डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, मैंने 35 का लिया था तो ऑलमोस्ट 35 का ही आ रहा है। नाउ अब रेडियस और डाया की बात आ गई, सो मैं डाया ले लेता हूँ। यहाँ पे एक डाया मेरे पास कितने का आ रहा है, 55 का आ रहा है। एक डाया मेरे पास आ रहा है 64 का, और एक डाया मेरे पास आ रहा है 82 का। ओके, और इसमें रेडियस और डाया क्या रह गया, देख लेते हैं। डाया और कोई है तो नहीं, अभी मेरे पास आ रहे रेडियस हैं। सो मैं रेडियस अप्लाई कर लेता हूँ, और एक रेडियस है मेरे पास ये वाला, एक रेडियस है मेरे पास ये वाला, एक रेडियस मेरे पास ये वाला है, एक रेडियस मेरे पास ये वाला है, और एक रेडियस मेरे पास ये वाला है। सो इसमें आप चेक करो कि यहाँ पे मुझे अब सभी को 1 2 3 4 5 6 रेडियस लगाना है। यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए मैं लीडर अप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो लीडर होता है एनोटेट, एनोटेट मतलब कुछ एडिट करने के लिए। सो अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 6 होल्स ऑफ DIA, डाया भी लिख सकता हूँ और लोगो भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे सिंबल भी लगा सकता हूँ मैं, सिंबल भी लगा सकता हूँ मैं डाया का। तो डाया कितना था आपके पास, 12 का। सो मैं इसको, इसकी हाइट इंक्रीज कर देता हूँ, देखता हूँ ये विजिबल है भी है या नहीं। ओके, तो इस तरह से आपके पास आया। अब आप देखिए एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप टेक्स्ट लिख रहे हो या कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, तो उसमें क्या है, अगर आप मान लो इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो, सो आप इसको इस तरह से मूव भी कर सकते हो। इसको यहाँ से स्ट्रेच करके इस तरह से अगर आपने अलाइन करना है तो आप इस तरह से भी अलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रबल शूट्स हैं, जैसे आप कभी प्रॉब्लम फेस करते हैं किसी चीज में, तो आपको ये चीज हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे जो आपकी डायमेंशंस हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, हाइट काफी छोटी आ रही है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी एंटर करूंगा। डी एंटर करके क्या आएगा, डिम स्टाइल मैनेजर। सो उसमें हम मॉडिफाई में चले जाएंगे। मॉडिफाई में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज करनी है, तो मैं 4 mm कर लूंगा यहाँ पे। और दूसरी चीज है मेरे पास सिंबल, तो सिंबल मैं उतना ही रखूंगा, 2.5 का जो भी डिफॉल्ट आ रहा है मेरे पास। और एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि प्राइमरी यूनिट्स में जब आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपने पीरियड करना है। कॉमर्स में चले जाओगे तो अगर मान लीजिए 44.45 कुछ वैल्यू आ रही है, तो अगर आपका कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट प्राइमरी यूनिट सिलेक्ट है, डेसिमल सेपरेटर सिलेक्ट है, सो इसमें अगर डॉट 45 आ रहा है तो कॉमा 45 आएगा। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है ना। सो यहाँ पे आपने प्राइमरी यूनिट्स में पीरियड सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी जो डेसिमल सेपरेटर है वो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आए। ओके, यहाँ से भी आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। सो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ये मेरी बेसिक डायमेंशंस थी जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप ISO स्टैंडर्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट किस तरह से आपने रखना है, ISO स्टैंडर्ड से भी आप कर सकते हो। ओके, जिस तरह से आपको चाहिए आप उस तरह से इसको रख सकते हो। ओके किया, सेट करंट आपने जरूर करना है, क्लोज, और आप देख सकते हो ये सारी डायमेंशंस आपकी इस तरह से विजिबल हो जाएंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हमने एक एक्सरसाइज ये की है और दूसरी एक्सरसाइज हमने ये की है। इसमें हमने डायमेंशंस चेक नहीं की है, इसमें भी हम डायमेंशंस देके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कितनी है, 4 mm डायमेंशंस हाइट दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट की हाइट उतनी ही रहेगी, और प्राइमरी यूनिट में अगेन पीरियड कर लेता हूँ। ओके, सेट करंट, क्लोज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी डायमेंशंस आपकी सही हो गई है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड अच्छी होगी। कंपनी में जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी स्पीड चेक की जाती है, आपकी कमांड की स्पीड कितनी अच्छी है, तो वहाँ पे स्पीड चेक की जाती है, आप कितनी जल्दी ड्राइंग बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपके लिए आज एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप अपनी जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी स्पीड अच्छी बन जाए ऑटोकैड के अंदर। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आता है तो उसके लिए कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं उसके लिए। ओके, थैंक यू।